तो हाँ भाई, वो कौन था जो कह रहा था कि पबजी मोबाइल उनके मोबाइल में अभी भी चल रहा है, पबजी लाइट चल रहा है और आराम से चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ ढोंग किया है इसको बैन करने का। तो चलो भाई, तुम्हारे जले पे थोड़ा सा और नमक डालने का काम करता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा दुख बढ़ाता हूँ मैं। देख लो पहले ये पोस्ट, देख लो पोस्ट को मैं पढ़ देता हूँ, इसको सुन लो। डियर फैंस, टू कम्प्लाई विद द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटेड सेप्टेम्बर 2020, Tencent Games will terminate all services and access for users in India to PUBG Mobile, Nordic Map, Livik and PUBG Mobile Lite together on October 30, 2020. The rights to publish the PUBG Mobile in India will be returned to the owner of the PUBG intellectual property. Protecting user data has always been a top priority and we always complied with applicable data protection laws and regulations in India. All users' gameplay information is processed in a transparent manner as disclosed in our privacy policy. We deeply regret this outcome and sincerely thank you for your support and love for PUBG Mobile in India. So guys, 30 October यानी कि 30 अक्टूबर से, यानी कि कुछ ही घंटे बचे हैं, जितना खेलना हो खेल लो, उसके बाद PUBG Mobile अपने सर्वर्स को इंडिया में बंद करने जा रहा है। PUBG Mobile का कहना था कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इवन लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडिया में बैन हो चुका है, लोग इसको पायरेसी के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, उसके बाद खेल रहे हैं, इससे PUBG Mobile का लॉस ही हो रहा है एक तरीके से, उन्हें इसके थ्रू कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था इंडिया से। इवन इंडियन गवर्नमेंट का भी प्रेशर उन पर पड़ रहा था कि बैन होने के बाद भी आप इंडिया में क्यों हैं। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इंडियन मार्केट से एग्जिट करेंगे और कल 30 अक्टूबर से आपके मोबाइल में जो पबजी अभी भी चल रहा है, बैन होने के बाद भी, वो भी चलना बंद हो जाएगा। मुझे पता है आपके जले पे थोड़ा सा ज्यादा नमक है, खासतौर पे उनके लिए जो बहुत ज्यादा मेरे वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे और गालियां दे रहे थे कि PUBG मोबाइल बैन नहीं हुआ, ये वो, बहुत सारे कमेंट्स थे मेरे वीडियोस पे इस टाइप के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर उनको इग्नोर करते हैं, बट बहुत सारे लोग खुश भी हैं मेरी तरह से, जो अब फाइनली कंप्लीटली चला गया, मतलब जो चल रहा था ना, कह रहे थे बैन होने के बाद भी चल रहा, तो अब कंप्लीटली वो भी चला गया। अब इंडिया में PUBG Mobile इंडिया का पेज जो कि फेसबुक पे था वो ओपन नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट उन्हीं की वेबसाइट पे ओपन हो रहा है। सो गाइज, इन्होंने अपना पेज तक इंडिया से हटा लिया है। सो गाइज, फाइनली मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, आपके लिए भी बहुत खुश होंगे आप सब भी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए दुख ऐसा है जो काफी टाइम लगेगा खत्म होने में। फिलहाल उनके लिए एक सजेशन है, गेम आ चुका है रोग हाइस्ट, जाके उसको खेल सकते हो, ट्राई दे सकते हो, मैंने रिव्यू किया, देख लो वीडियो, या फिर टॉप 10 इंडियन गेम्स के बारे में बताया, वो देख सकते हो जाकर के। और फिलहाल नेक्स्ट मंथ फौजी गेम भी आने वाला है, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लो, तब तक ये दुख खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। खैर इतना ही था, अब इससे ज्यादा मैं नमक नहीं छिड़कूंगा तुम्हारे जख्मों पे, ऑलरेडी पबजी बैन होने की वजह से इतना दुख है तुम लोगों को। खैर दुख तुम्हारा खत्म हो जाए, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।